सबका स्वागत है। आज विशेष रूप का आपको इसलिए आमंत्रित किया था, पूर्व मेरे विधायक श्री श्याम सिंह राणा जी, जिन्होंने 5 वर्ष तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में हरियाणा में काम किया और खास करके किसान वर्ग के लिए इन्होंने जब जब भी कहीं किसान की कोई अनदेखी हुई तो इन्होंने उसके लिए आवाज उठाई। लंबे समय से राजनीति में प्रदेश में अलग अलग पार्टियों में रह करके किसानों की लड़ाई को लड़ने का काम किया और अब जब फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने ये 3 अध्यादेश ला करके जो बिल का एक रूप दे करके कानून बना करके किसान को कैसे उसकी जमीन से बेदखल किया जाए, कैसे किसान को और कमजोर बनाया जाए, मजदूर लेबर बनाने का काम किया जाए, जब ये बिल आए थे तो उसका इन्होंने अपनी तरफ से किसानों के बीच में खड़े होकर के भाजपा की सरकार को इस बात के लिए एहसास करवाया था कि आप गलत फैसला कर रहे हो। लेकिन भाजपा की केंद्र की सरकार ने जब किसान की बात को अनसुना किया तो राणा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके उसी वक्त इस बात का फैसला ले लिया था कि जो किसान का विरोध करने वाली सरकार है, जो किसान को कमजोर करने वाली सरकार है, जो किसान की भूमि छीनने वाली सरकार है, हम उसको उस सरकार से मैं अपने आप को अलग कर रहा हूँ। और आज क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है और चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा किसान के हित की, किसान कैसे मजबूत हो, गरीब कमजोर आदमी कैसे जमीन स्तर से ऊपर उठ सके, कैसे उसको राजनीति में उसका हिस्सा मिल सके, उन्होंने हमेशा इस बात को लेकर के लोगों के बीच में रह करके बड़े बड़े पदों को त्याग करके किसान को मजबूत बनाने का काम किया। चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में आज विश्वास व्यक्त करते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में राणा साहब आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अकेले भी हजारों साथियों के साथ ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन क्योंकि मजबूरी है, आज कोरोना का काल है और इसमें आप ज्यादा बड़ी संख्या में इकट्ठा नहीं हो सकते, सोशल डिस्टेंस का रखना बहुत जरूरी है। आज इनके साथ हजारों साथियों ने आना था लेकिन हमने इस कोरोना की वजह से इनसे आग्रह किया कि आप अपने मुख्य मुख्य जो साथी है उन सबको लेकर के आए। आज भी आपके सामने सारे जो है अलग अलग गांव से जो गांव के मौजूद आदमी हैं वो भी सारे आज इनके साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं चौधरी देवीलाल जी के नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को चौटाला साहब के नेतृत्व में ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं राणा साहब से कहूँगा कि उस समय भी आपको सारी बात आपसे समझा करें और उसके साथ एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बड़ौदा का उपचुनाव है और इस उपचुनाव के अंदर किस तरह से सत्ता में बैठे लोगों ने जो आचार संहिता लागू हो जाती है उसके बाद कोई भी सरकार ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकती जिसकी वजह से लोगों को प्रभावित किया जा सके और खास करके जिस एरिया में जहां इलेक्शन हो रहा है, अगर कहीं स्टेट में हो तो फिर तो पूरे स्टेट में आचार संहिता होती है लेकिन अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के किसी एक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो तो फिर उस डिस्ट्रिक्ट में पूरे में आचार संहिता लागू होती है और आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी मशीनरी का अगर सरकार दुरुपयोग करती है तो फिर सीधा सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है। एक तरफ तो
बारी बारी से आचार संहिता को लेकर के इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ी बड़ी दायित्व जारी की जाती है, और दूसरी तरफ सत्ता में बैठे लोग जो है वो किस तरह से इसका उल्लंघन करने का काम है करते हैं। उदाहरण आपके सामने, आचार संहिता लागू होने के बाद चीफ मिनिस्टर अपने काफले के साथ गुहाना में गए और गुहाना में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए थे, वो भी आचार संहिता का एक बड़ा उल्लंघन है। ये ठीक है कि चीफ मिनिस्टर के साथ सिक्योरिटी जा सकती है, लेकिन चीफ मिनिस्टर सरकारी मशीनरी लेकर के उस विधानसभा क्षेत्र या उस इलाके में नहीं जा सकता जहाँ आचार संहिता लगी हो। इसी तरीके से इनके मिनिस्टर्स ने एक ट्रैक्टर रैली निकालने का काम किया जिसकी कोई परमिशन नहीं थी, बिना परमिशन के, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद अगर कोई भी पार्टी किसी भी तरह का इस तरह का आयोजन करती है तो फिर उसके खर्चे उसके खाते में दिखाए जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इन्होंने उल्लंघन किया। और उसके बावजूद भी सबसे बड़ी जो आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई, ये जो 15 इन्होंने जो चेयरमैन बनाए जिनमें एक चेयरमैन खरखोदा का पवन जो है उसको भी बनाया गया है, पूरे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में आचार संहिता लागू है, उसको लाभ का पद दे करके कहीं उसकी कम्युनिटी को मतदाता को प्रभावित करने के लिए इन्होंने आचार संहिता की धज्जियों को उड़ाने का काम किया। हम अपनी तरफ से लिखित में तो इलेक्शन कमीशन को भेज ही रहे हैं, सरकार के खिलाफ एक्शन हो, बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसका नॉमिनेशन रद्द किया जाए और ऐसे निर्णयों पर प्रतिबंध लगा करके तुरंत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए। इसके साथ साथ इस चुनाव में किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने लगातार एक नौटंकी करी, लगातार ये कहते रहे कि हम अपनी टिकट का फैसला 15 तारीख की रात को करेंगे या 15 को, इस तरह से उसको डॉक्टर नरवाल को ये कहा गया बारी बारी से भी तेरा टिकट का फैसला शाम को होगा, रात देर को टिकट दे देंगे। ना केवल नरवाल की आंखों में धूल झोंकी गई बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सभी उनको भी इस बात का पता नहीं था कि टिकट तो अलॉट 14 तारीख को कर दी गई थी। ये वो दस्तावेज है जो आपके पास होंगे, मेरे ख्याल नहीं है तो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें शैलजा ने 14 तारीख को जो इंदुराज नरवाल जिसको टिकट दी गई है इसको 14 तारीख को ही टिकट अलॉट कर दी गई थी, जिसपे संजय जी के दस्तखत हैं और 14 तारीख को उनके नाम के साथ इस टिकट की अलॉटमेंट उनको दे दी गई थी। ये तो केवल लोगों को भ्रम में डाल रहे थे और कहीं ऐसा ना हो कि नरवाल किसी और किसी राजनीतिक दल में जाकर के अपनी कल टिकट ले ले। उसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी, जो आदमी अपने आप को ये कहता है कि हरियाणा की कांग्रेस तो मेरे इर्द गिर्द घूमती है, उसकी हालत ऐसी कर दी कांग्रेस पार्टी ने, उसको इस तरह से इग्नोर किया हुआ था कि उसको भी किसी बात की जानकारी नहीं थी। अब मैं राणा साहब से कहूंगा कि वो आपके खुद रूबरू होंगे, क्योंकि आपने भी चीफ मिनिस्टर ने भी आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रखी है, आप शायद उसमें भी जाएंगे। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, आदर के योग भाई अभय सिंह जी, जो विपक्ष के नेता रहे विधानसभा में पिछले उसमें सत्र में, और हमारे साथ काफी मित्रता पारिवारिक है चौधरी देवीलाल जी के समय से, और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में लोकदल इंडियन नेशनल लोकदल शामिल हो रहा हूं, और ऐसे समय में शामिल होने का जो अवसर है वो आप भी जानते हैं कि प्रदेश में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन और जो अध्यादेश पास किए केंद्र सरकार ने, वो अपने आप में एक समय इनका विरोध कर रही थी ये पार्टी, अब इनका समर्थन कर रही। माननीय प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी, जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी वो इस अध्यादेश को लेके आए,
और भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती थी। बहन सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता थी, उसने डटकर इसका विरोध किया, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है, आज उसका वो समर्थन कर रही है और कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। लेकिन दोनों नेशनल पार्टियों ने इसका विरोध भी कर दिया, इसका समर्थन भी कर दिया। आज देश में हमें वो बात याद आती है चौधरी देवीलाल जी की, जब लोकसभा के अंदर किसानों के समर्थक बहुत सारे नेता सांसद हुआ करते थे और किसानों की हर समस्या का समाधान करने के लिए लोकसभा में आवाज उठाते थे। आज हम समझते हैं किसानों के समर्थक इंडियन नेशनल लोकदल सरकार डटकर किसानों का समर्थन कर रही है, इसलिए मेरा जो त्याग पत्र था वो इसी बात पे था कि किसानों की मदद होनी चाहिए, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो मिलनी चाहिए। उस कानून में ये कहीं जिक्र नहीं है कि किसान का मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा, उसको तो रामबाबा ने छोड़ दिया, इसलिए हमारा उससे विरोध है, इन सारे कानूनों से जो किसान के विरोध में पास किए गए। और हम समझते हैं कि चौधरी देवीलाल जी के विचार की पार्टी सारे देश में किसानों के साथ डटकर खड़ी हो और इस बिल का विरोध करके किसानों को मदद करे, हम चाहते हैं। इसीलिए हमारा आज का जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर शामिल हुए, यही एक उद्देश्य है, किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की हम मदद करें और एक ऐसा संगठन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में मजबूत हो, सरकार बने और देश की सरकार में भी हम अच्छी तरह से मजबूत होकर यहाँ से जाएं, ताकि किसानों की आवाज़ उठा सकें। आप सभी भाई जो मेरे साथ आए, उनका सबका यहाँ पहुँचने पर उनका धन्यवाद, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद अब इंडियन नेशनल लोकदल को हम मजबूत करेंगे और हरियाणा के अंदर सरकार बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। श्याम सिंह जी राणा अपने सभी साथियों के साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में तो शामिल हो रहे हैं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से और देश के सभी मेहनत कर मेरे वर्ग के लोगों की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बताऊं, श्याम सिंह राणा जी से हमारे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे सदा ही रहे। वक्तन फोक्तन हो सकता है, इन्हीं कारणों से हम एक दूसरे से अलग होने की वजह बनी हो, लेकिन वैचारिक तौर पर हम सब सदा एक रहे। मैं अतीत में जाकर के आपको एक घटना बता रहा हूँ, आप उसी से अंदाजा कर ले। सन 2005 में जब हमारी सरकार चली गई थी और हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, श्याम सिंह जी उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक थे, बल्कि बीजेपी पार्टी के लेजिस्लेटिव पार्टी के विधानसभा में नेता थे। हमारे इनके कितने अच्छे ताल्लुकात रहे उसका इसी से अंदाजा लगाओ
विधानसभा में किसी मुद्दे को लेकर के अगर राणा जी कभी वॉकआउट करते तो इनकी पार्टी की तरफ से जो 5-6 विधायक और थे वो इनका साथ नहीं देते थे, ये अकेले वॉकआउट करते। बीजेपी के दूसरे विधायक जो थे वो वहीं अपनी सीटों पर बैठे रहते, तो उस वक्त भी हम चाहे मुख्तलिफ बेंचों पर बैठे हों लेकिन वैचारिक तौर पर हम इकट्ठे थे। और मुझे खुशी है कि हम फिर दोबारा आज देश की जो हालत खराब है उस हालत को सुधारने के लिए संघर्ष में जूझने के लिए हम सब फिर इकट्ठे हैं। इससे ज़्यादा अजीब बात क्या होगी कि सत्ता के लोभ के लिए लोग सत्ता वाली पार्टी में शामिल होते हैं, लेकिन सत्ता की पार्टी में होते हुए भी अगर सत्ता पक्ष को छोड़ करके संघर्षशील और जुझारू लोगों का साथ देने के लिए जो त्याग करते हैं उनकी जितनी भी सराहना की जाए थोड़ी, ये सिर्फ हम ही नहीं समूचे राष्ट्र के मेहनत कश कमेरे वर्ग के लोग राणा जी की इस बात के लिए सराहना करेंगे कि वो संघर्ष में जूझने के लिए सत्ता पक्ष में होते हुए भी सत्ता पक्ष को छोड़ करके देश के लोगों के लिए लड़ाई लड़ने में अगली कतार में खड़ा होने में शामिल हुए हैं, जिनका उनका जितना भी स्वागत किया जाता है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि इस प्रकार के जुझारू साथी जब संघर्ष में जूझेंगे तो निश्चित रूप से स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार होंगे। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के लोग आज सत्ता के भूखे नहीं, हमारी एक हार्दिक इच्छा है कि हम चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करें। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की हार्दिक इच्छा थी और उस इच्छा को क्रियान्वित करने में कभी उन्होंने संकोच नहीं किया था। वो चाहते थे कि देश के हर नागरिक की मूलभूत जरूरियात रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार की तरफ से किया जाए ताकि देश प्रगति के पथ पर बढ़े और विश्व के स्तर पर भारतवर्ष एक अग्रणी देश बने। इस सब में लड़ाई लड़ने के लिए आज की विकट परिस्थितियों में श्याम सिंह जी राणा जैसे लड़ाकू और जुझारू लोग अगर हमें हौसला देंगे, इस मुसीबत की घड़ी में हमारा साथ देंगे, तो इससे समूचे राष्ट्र के लोग बहुत प्रभावित होंगे। मैं इनका अपनी पार्टी की तरफ से नहीं वरन देश के हर मेहनत के साथ ही तरफ से इन सबका स्वागत करता हूँ। और मुझे यकीन विश्वास और भरोसा है कि जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं उस लड़ाई में राणा जी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। निश्चित रूप से स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की तरफ से जो लड़ाई लड़ी गई थी, उन्होंने सारी उम्र गरीब आदमी के लिए संघर्ष किया, उन्होंने भी राणा जी की तरह कभी ये नहीं देखा
किस पार्टी में शामिल हुआ जाए और किससे लाभ उठाया जाए, वो तो लोगों के हितार्थ संघर्ष में जूझने में यकीन रखते थे और उनके नक्शे कदम पर चल करके आज राणा जी हमारी पार्टी में शामिल हो गए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ और आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि राणा जी के सहयोग और समर्थन से निश्चित रूप से देश में राजनीतिक बदलाव आएगा, अमेरे वर्ग के लोगों के हाथ में सत्ता आएगी और देश प्रगति के पथ पर बढ़ेगा। आज ऐसे मौके पर सत्ता के लोग के लिए तो लोग मन धुंधला करते हैं, लेकिन सत्ता के खिलाफ और कमेरे वर्ग के लोगों के अधिकारों की लड़ाई के लिए आज लड़ाई लड़ने वाले बहादुर का हर व्यक्ति स्वागत करेगा। मैं फिर से इनका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं यकीन है, मुझे विश्वास है इनके साथ चल करके जो लड़ाई हम लड़ेंगे निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। सरकार जो विकास की बात करती है, हालत बीजेपी की आज ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मिनिस्टर या कोई पदाधिकारी बिना सुरक्षा के बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के किसी एक गांव में भी नहीं जा सकता। आज तो सैकड़ों सैकड़ों पुलिस के सुरक्षा कर्मचारियों को साथ लेकर के गुपचुप तरीके से कई लोगों के बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं। दो ऐसे लोग हैं इस प्रदेश में जो लोगों के बीच में जाकर के चुनाव लड़ने की बजाय अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने की बजाय गोहाना में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट मांगते हैं। हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री गोहाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का दावा करके आता है कि मेरा छोटे से छोटा कार्यकर्ता चुनाव जीतेगा, जबकि 54 गांव में एक बार भी नहीं गया, एक गांव में भी नहीं गया। ये हालत चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है, वो भी गोहाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहीं से जीत का दावा करके अपने घर वापिस चले जाते हैं, हल्के में जाने की हिम्मत नहीं जुटाते। अगर 54 के 54 गांव में कोई गया है तो इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का कार्यकर्ता रहा और पार्टी ने मेरी जान जिम्मेवारी लगाई, मैंने 54 गांव में एक एक व्यक्ति से मिलकर के यहाँ पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया, वहीं लोगों में एक विश्वास पैदा किया कि केवल इंडियन नेशनल लोकल पार्टी है जो आम आदमी के साथ खड़ी होकर के उसकी लड़ाई को लड़ सकती है। अभय जी, आप बड़े विश्वास के साथ उस दिन चौटाला साहब ने यही बात कही, मध्यावधि चुनाव की बात कर रहे हैं, इसके पीछे कोई मजबूत ग्राउंड आपको समझ में आता है या इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट माना जाए? ये जो प्रदेश के चुनाव ये होने जा रहा है, इस चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब खुद होगी तो प्रदेश में साथ के साथ समीकरण बदल जाएंगे और जो आज हालात हैं, जिस तरह से 2020 चल रहा है, जिस तरह से इस 2020 ने बहुत चौंकाने वाले कई ऐसे काम हुए हैं जो आप और हम सोच भी नहीं सकते थे। आप सोच सकते थे कोरोना आएगी? अगर कोरोना आ सकती है तो हरियाणा की सरकार भी जा सकती है। इस 2020 में ही सत्ता पलट होगा, भाजपा को इस पर जनता को सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। रोजाना किस तरह से आप खुद नहीं देख रहे हो, आज जो कल इन्होंने जो चेयरमैन बनाए थे उनमें से भी कल एक बागी हो गया, अपनी हो गया। रोज बगावत है, रोज नए नए लोग बगावत कर रहे हैं। इस चुनाव के बाद 100% तब्दीली आएगी। अभय जी, जैसा आपने जिक्र किया अभी कांग्रेस के कैंडिडेट को लेकर, क्या ये आपको लगता है कि जो कला थी वो कांग्रेस में अब और बढ़ गई है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने चाहते थे उसको टिकट नहीं मिली और जो पेपर जारी हुआ भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहता उसको नहीं, बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो इस बात की भनक भी नहीं थी
कि टिकट किसको मिलने जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो आप जैसे लोगों को बुला करके कहीं लोगों में भ्रम पैदा कर रहा था कि मैं आज भी कांग्रेस में ताकतवर हूं, लेकिन जिस तरह से 14 तारीख को साइन किए गए उससे एक साफ संदेश दे दिया प्रदेश कि हुड्डा का कांग्रेस में कहीं भी कोई बड़ा दखल अंदाज कोई दखल नहीं है। पहले तो जो नई इन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाई उसमें हुड्डा को साफ किया, और अब ये 14 तारीख को मोड़ लगा करके तो सीधा सीधा मैसेज दे दिया। आपके जानकारी में आया होगा सर कि कल जब कुमारी शैलजा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा इस अपने बयान की शुरुआत ही ऐसे कि हुड्डा साहब ने बहुत अच्छा नाम सुझाया है युवराज नरवाल का, जो तो इसका मतलब हुड्डा फिर लोगों की यूं ही आंखों में धूल झोंक रहा था, यूं ही बिना मतलब इस बात का वहां पर ठेका ले रहा था कि मैं डॉक्टर कपूर नरवाल को टिकट दूंगा। फिर तो जब नाम पहले सुझा रखा था तो फिर नौटंकी करने की क्या जरूरत, फिर ये कहने की जरूरत नहीं थी कि हम अभी फैसला 15 तारीख को लेंगे। क्या सर इनेलो का कैंडिडेट कितना मजबूत है, बाकी दो कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें? हमारा जो उम्मीदवार है उसने पिछला चुनाव भी बड़ी मजबूती के साथ लड़ा और पिछले 6 वर्ष से एक एक गांव के व्यक्ति के सुख दुख में शामिल हुआ है, और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई छोटा मोटा दाग नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा कार्यकर्ता को ही तवज्जो दिया है, कार्यकर्ता का ही मान सम्मान बढ़ाया है। आज बाला साहब ने फिर से पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता को टिकट देकर के इस बात पे न केवल मोड़ लगाई बल्कि पूरे देश में एक संदेश दे दिया कि अगर कार्यकर्ता की कहीं कोई मान सम्मान है तो वो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में है। एक से मेरा चौटाला जी से क्वेश्चन है, जो अंबाला नारायणगढ़ में जो किसानों के खिलाफ हत्या के मामले दर्ज किए गए, ये कैसे किसान की आवाज को दबाया जाए जब किसान इनका विरोध कर रहे थे, पुलिस वहां पे मौजूद थी, इनके ट्रैक्टर के ऊपर जो बैठे लोग जा रहे थे वो किसान नहीं थे, वो सारे के सारे किराए पे लाए हुए लोग थे। सोशल मीडिया पे आपने जगह जगह पे देखा है कि जिस किसी भी ट्रैक्टर चलाने वाले से अगर किसी ने जाकर के पूछ लिया कि आप इस रैली में क्या इनका बीजेपी का समर्थन करने आए, तो उन्होंने आगे से चल करके ये कहा कि नहीं, हम भाजपा के इस फैसले के खिलाफ हैं, हम तो हमारी तेल की टंकी फुल कराई गई है, हमें 2,000 रुपया दिया गया है, और हमें तो गांव का जो कोई बीजेपी का छोटा मोटा कार्यकर्ता था उसने ये कहकर लेकर के गया कि आप मेरी इज्जत के लिए वहां तक ट्रैक्टर लेकर के चलो। यहां तक भी सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने खुल करके कहा है, गुहाणा की मंडी के किसानों ने, कि 2-2 बोतल दारू की भी साथ दी गई, उन्होंने तो यहां तक भी कहा कि चलो हम आपको दिखा देते हैं कैसे ट्रैक्टर वाले जो लेकर के आए थे वो ठेके पे बैठ करके दारू पी ले। ये जो मरा था जो व्यक्ति, ये हार्ट फेल होकर के मरा है, अगर कोई मार कुटाई से मरता तो डॉक्टर की रिपोर्ट में अब तक ये साफ हो जाना चाहिए था कि किसी चोट लगने की वजह से मरा है, हार्ट फेल होकर के मरा, इसीलिए उस डॉक्टर को ये रिपोर्ट भी जारी की, डॉक्टर अपनी रिपोर्ट दे ना सके, इसके लिए मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि उसका विसरा भेज दिया। हार्ट फेल होकर के मरने वाले व्यक्ति का विसरा भेजने की जरूरत नहीं, विसरा तो उसका भेजा जाता है, विसरा उस आदमी का भेजा जाता है, या तो पॉइजन से मरे या फिर कोई व्यक्ति को जो है गला दबा करके मारा जाए, या किसी व्यक्ति को
कोई इंजेक्ट करके किसी चीज से मारा है। मिश्रा इस स्थिति में तो मिश्रा भेजा ही नहीं जाता, किसी को गोली लगी हो तो मिश्रा भेजा जाता है। मौत का कारण जो है तो डॉक्टर को उसी टाइम बताना चाहिए, लेकिन क्योंकि सरकार उन किसानों को दबाना चाहती है तो इनका विरोध करती है, इसलिए उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए।